फाइनली रेसलमेनिया 39 में दानो उमास को हराने के बाद ब्रॉक लेसनर सामना करेंगे बैकलेस में द अमेरिकन नाइटमेयर का। जैसा कि आप सभी ने पिछले मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में एक बार फिर से कॉडी रोट और ट्राइबल चीफ का फेस टू फेस सेगमेंट देखने को मिला, जहां पर कॉडी रोट ने रोमन रेंस को एक और मैच लड़ने के लिए चैलेंज किया, पर ट्राइबल चीफ ने इस चीज के लिए साफ साफ मना कर दिया। लेकिन रोमन रेंस ने कॉडी रोट को टैग टीम चैंपियनशिप लड़ने को कहा, जिसके लिए ब्रॉक लेसनर कॉडी रोट का साथ देने के लिए रिंग में आ गए। और यहां पर कॉडी रोट एंड ब्रॉक लेसनर वर्सेस सोलो सिकोवा और रोमन रेंस के बीच एक मैच हुआ, जहां पर मैच स्टार्ट होने से पहले ही ब्रॉक लेसनर अपना हील टर्न करते हुए उल्टा कॉडी रोट को ही खून के आंसू रुला दिए, जिसे देखकर रोमन रेंस और सोलो सिकोवा रिंग छोड़कर वहां से निकल गए। जिसके बाद ब्रॉक लेसनर कॉडी रोट को कई सारे सुप्लेक्स सिटी और तगड़े F5 का स्वाद चखा दिए, यहां तक कि उन्होंने स्टील स्टेप से भी हमला किया। यहां पर ब्रॉक लेसनर का कॉडी रोड पर इस तरह से हमला करना इस बात को टीज करता है कि आने वाले समय में इन दोनों के बीच हमें एक तगड़ा मैच देखने को मिलेगा।